हैं जिनका -1 तक पावर था और वो सेलेक्ट हुए। अच्छा, अब वो कैसे हुए? तो मैंने खुद डॉक्टर से पूछा इस बारे में कि भाई ये कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा, आई डॉक्टर ने, कि 6x6 होना एक चीज है, माइनस में पावर होना एक चीज है। अच्छा, जिसका माइनस में पावर है वो भी सेलेक्ट हो सकता है, उसका 6x6 दिख सकता है। अच्छा, मैक्सिमम को ये बात पता नहीं है, सबको लगता है मेरा -0.5 है, चश्मा लग गया, आप नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप दोस्तों ALP की कैसे तैयारी करें? 2024 में 5,696 पोस्ट की वैकेंसीज आई है और आज हम ALP सर लोग से बात करेंगे जो कि और भी आगे बढ़े हैं स्टाफ लोग डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम दे करके। पूरा उनका इनिशियली जर्नी कैसा रहा वो सारा चीज़ चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप लोग सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है, मैं सीनियर ALP नागपुर डिवीजन गोंदिया में अपॉइंटेड हूँ। अच्छा सर, आप अपना बताओ। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं पहले असिस्टेंट लोको पायलट, फिर सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट डोंगरगढ़ में पोस्टेड था। अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम देके मैं, मेरा स्टेशन मास्टर में भी हो गया था, गार्ड में भी हो गया था, तो मैंने गार्ड ज्वाइन करा, स्टेशन मास्टर को मैंने छोड़ दिया। तो सर, आप लोग अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे कि क्या 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 पढ़ाई किया आप लोग? सर, मैंने 12th के बाद BTech करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, 2017 बैच पास आउट है। अच्छा, मैंने BTech करा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, फिर 2 साल बाद मैंने फिर ALP की नौकरी होगी तो मैं फिर इधर आया। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे सर कि ALP की नौकरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो, दोस्तों अगर आप लोग ALP की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप RRB ALP का ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज का TCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 का सभी शिफ्ट का है दोस्तों, 56 सेट है, सॉल्व पेपर्स है, ठीक है। इसमें आपका सभी ट्रेड्स का हो जाएगा, देखिए फिटर, मैकेनिकल, डीजल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फिजिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रिकल, सब का दोस्तों आपको मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में इसको ज़रूर आप लोग, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों आपको लिंक, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन है उसमें ITI का होना मस्ट रहता है? बिल्कुल, ITI चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, मैंने कोई भी टेक्निकल डिग्री आपका होना चाहिए ALP के लिए। इसमें कुछ इसमें ट्रेड को रोका गया है, जैसे सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, IT वाले हो गए, इन लोगों को इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करने के लिए योग्यता दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया सर ने। सर, अब इसके बाद बात करेंगे कि आप लोग कौन से ईयर के ज्वाइनिंग वाले, कौन से बैच वाले हैं? हम लोग 2018 में एक वैकेंसी आई थी ALP एंड टेक्नीशियन के साथ में, जी जी, तो उसी के थ्रू हम लोग 2019 में फाइनली सिलेक्शन हुआ उसके साथ। सर, ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने ALP की तैयारी कैसे की थी, और सबसे पहले उसके पहले ये बता देंगे कि तैयारी से पहले कि आप लोग का मार्क्स कितना कितना रहा था, CBT 1, CBT 2, साइको? CBT 1 में मेरा 75 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें 55 मार्क्स थे। अच्छा, और CBT 2 में 100 मार्क्स की थी। अच्छा, उसमें मेरा था 74 या 75, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा जी। और जो एक टेक्निकल पेपर होता है इसमें, साइको जो टेस्ट? नहीं, साइको नहीं, टेक्निकल भी होता है, ट्रेड जो आपका अच्छा। ट्रेड है वो उसका इंडिविजुअल पेपर होगा, जबकि पहले ये चीज को सभी ट्रेड को मिक्स करके लिया जाता था। अच्छा, अब है कि एक ही ट्रेड आपका जो है उसी का पेपर आएगा जी, तो उसमें मेरा आया था 45 मार्क्स, 60 में। अच्छा अच्छा, 60 मार्क्स के रहते हैं। अच्छा, तो उसमें मेरा 45 मार्क्स आए थे, तो उसमें जस्ट क्वालिफाई रहता है। ओवरऑल मेरिट कितना था CBT 1? CBT 1 में मेरा 62 मार्क्स था, और मेरा कैटेगरी था तो जिस वजह से उसमें हो गया था। CBT 2 में दो पेपर होता है। अच्छा, पहला पेपर जो जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग इंक्लूडिंग बाकी सब्जेक्ट, और सेकंड में सिर्फ टेक्निकल जो होता है अपना, मेरा इलेक्ट्रिकल था तो इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल था। अच्छा, तो पहले में मेरा 74 मार्क्स आया था CBT 1 में, और CBT 2 का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वो सेकंड पेपर एक ही दिन दोनों होता है, बीच में गैप देखे। अच्छा, तो CBT तो वो जो सेकंड पार्ट टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल जो है उसमें आपको पास करना इतना मस्ट है कि आपको मैं 85 मार्क्स लाया था CBT 2 में, एक लड़का मेरा ही फ्रेंड था, मेरे से पढ़ने में बहुत अच्छा था। अच्छा, वो 85 मार्क्स लाया था, लेकिन वो टेक्निकल क्वालिफाई नहीं कर पाया CBT उस दिन का सेकंड पेपर। अच्छा, जिस वजह से उसका ALP में नहीं हो पाया। मतलब आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना क्रूशियल एग्जाम होता है वो सेकंड पेपर। आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि हम कर जाएंगे, तो फिर भी आपको पढ़ना है और टेस्ट लगाने हैं उसके, तब जाके आप क्वालिफाई करिएगा, वरना सारा मेहनत किया का धरा रह जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा उसमें। इसलिए
सेकंड पेपर पे फोकस कीजिए, बाकी सारे पेपर पे तो करिए ही करिए, ये मार्क्स लाने के लिए, उसको पास करने के लिए, क्योंकि 85 वालों का नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन है, तो इसीलिए आपको करना है। साइको टेस्ट में बताना चाहेंगे कि आप लोग के कितना इंडिविजुअली नहीं, मतलब एक नंबर कितना था आप लोग का, जैसे 30 शायद रहता है ओवरऑल देखते हैं तो 30 में 30 पर साइको का और CBT2 का ऐसा रेशियो है कि जो आपका CBT2 में मार्क्स आया है उसको 100% कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, उसका 70% आपको पार्ट वन के लिए रखा जाएगा, और जो साइको में आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसका 30% आपको उसमें CBT2 के साथ जो 70% मार्क्स हैं उसमें ऐड किए जाएंगे, और दोनों को ऐड करके आपको फाइनल मार्क्स दिया जाएगा, और 70+30 100 हो गया। उस आधार पर आपको कट ऑफ बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। तो आपका कितना मार्क्स था? मेरा था सर 22 या कुछ, अच्छा 24 के लमसम में। आपका सर? मेरा 21 मार्क्स था। मैंने अच्छा। काफ़ी ही तैयारी करी थी, मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगाया था, और ऑनलाइन टेस्ट लगाना ही सबसे बेनिफिशियल हुआ। आपको अगर इनिशियल में सीखना चाहते हैं तो विद्यासागर वगैरह की बुक आती है, अच्छा, तो आप उसको पढ़ के सीख सकते हैं इसको। लेकिन आपको अगर टू द पॉइंट उसी दिन कैसा आपको परफॉर्मेंस होगा वो आप सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर ही देख सकते हैं। तो टेस्ट बुक वगैरह की आती है बहुत सारे ये टेस्ट सीरीज हैं, इसमें आप ये दे सकते हैं, और वहीं से आप अपने को इवेल्युएट कर सकते हैं कि मैं कैसा हूँ उस बैटरी टेस्ट में। आप अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा करते चले जाइए, आप अगर लगातार टेस्ट देते चले जा रहे तो। बुक्स का बता दीजिए अगर कुछ फॉलो करें तो, जैसे किरण वीरण का या कुछ भी आप लोग को। नहीं, ये प्रीवियस ईयर इसके लिए बेटर होगा, जो 2018 में जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, वो चाहे आपको RPF का हो, GD का या SI का, या यहाँ तक कि SSC GD का हुआ हो, और ये ALP का, टेक्नीशियन का, गुड्स गार्ड का, ये सभी का मैथ रीजनिंग आप बना लीजिए, साइंस भी आप वहाँ से कवर कर सकें, वो सफिशियंट है, क्योंकि 1500-1600 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन इतने हैं, हाँ। तो आप उतना कवर करते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट में आप जी के अपने साथ रख रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, जैसे आप लोग CBT1 क्वालिफाई कर लिए, CBT2 क्वालिफाई कर लिए, साइको टेस्ट क्वालिफाई कर लिए, है ना, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है मेडिकल स्टैंडर्ड। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर 0.25 0.5, तो ऐसा कैंडिडेट्स लोग सेलेक्ट हो पाते हैं ALP में, आप बताना चाहेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड का? देखिए, ये ना बिल्कुल डिपेंड करता है आपके उस दिन के परफॉर्मेंस। कुछ चीज़ें सेलेक्टेड आपका उस दिन आपका -0.5 है, -0.25 है, आप बिल्कुल रिस्क लीजिए, क्योंकि रिस्क से ही आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में कभी भी। मेरे साथ कई के कैंडिडेट हैं जिनका -1 तक पावर था और वो अच्छा, सेलेक्ट हुए। अच्छा, अब वो कैसे हुए तो मैंने खुद डॉक्टर से पूछा इस बारे में कि भाई ये कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा, आई डॉक्टर ने कि 6x6 होना एक चीज है, अच्छा, माइनस में पावर होना एक चीज है। अच्छा, जिसका माइनस में पावर है वो भी सेलेक्ट हो सकता है, उसका 6x6 दिख सकता है। अच्छा, मैक्सिमम को ये बात पता नहीं है, सबको लगता है कि मेरा -0.5 है, चश्मा लग गया, आप नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, आपका होगा, आप पास करो एग्ज़ाम, मेडिकल जाओ, और उस दिन का परफॉर्मेंस आपका दिखाता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप अभी धूप में हो, ठीक है, अभी आप एकाएक आपको अंधेरे वाले कमरे में ले जाओ, आपको कुछ नहीं दिखेगा, पूरा ब्लैंक, और जिस कमरे में ये एग्ज़ाम होता है ना वो पूरा अंधेरा रहता है, आपका आँख कुछ मिनटों के लिए ना समय लेता है कि वो उस माहौल में एडजस्ट हो जाए। तो कई लड़के ना यही गलती कर देते हैं। अब मेरा एक दोस्त घुसा अंधेरे, मेरे को भी कुछ नहीं दिखा, और मेरे को डायरेक्ट नियर विजन का पूछने लग गया, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, वो पूछ रहा है, मैं चुपचाप बैठा हूँ, भैया कुछ तो दिख ही नहीं रहा, जबकि मेरा आँख तो ठीक है। तो फिर मेरा आँख जब एडजस्ट किया, एटलीस्ट 5 मिनट लगा मेरे को एडजस्ट होने में, तब मैं अंदर गया, तब वो आराम से 5 मिनट के बाद दिखना स्टार्ट हुआ। तो आप लोग को भी मैं यही सजेशन देना चाहूँगा, पहले क्या करें ना, एक ब्लैक चश्मा खरीदें, आप जब जिस दिन आपका मेडिकल एग्जाम हो उस दिन पूरा थ्रू आउट आप ब्लैक चश्मा पहन के रखो, ताकि जो बाहर का धूप है ना आपको बहुत कम आपके आंखों पे आए, तो आपका आंख ऑलरेडी एडजस्ट रहेगा बाहर के माहौल से। आप एक और जब भी आप अंदर जाने जाओ, मेडिकल रूम में जाओ, उसके पहले आपको बिठाता है बाहर, ठीक है, तो उसमें क्या करना है ना आपको ना, जहाँ पे आपको बिठा रहा है ना, आराम से उस रूम के गेट के बाहर बैठ के आराम से आंख बंद रखिए, चश्मा पहने हुए आंख बंद रखो, इससे अंधेरा रहेगा आपके आंखों में, और जैसे ही आपका नाम कॉल आउट करे फिर आप रूम में जाइए, आपको देखेगा इससे ना बहुत फायदा होगा, जैसे आपको तुरंत चीजें ना एडजस्ट हो जाएंगी और दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं, और क्या आप ना दवाई कौन सी रखो, मैं लोग पता नहीं बिलीव करते ही नहीं करते हैं,
मैं बेसिकली बिलीव करता हूँ, मेरे साथ मैंने कईयों को इसे सजेस्ट भी किया, रामदेव का जो आई ड्रॉप है ना जो बहुत लगता है आंखों में, आप एग्जाम से पहले मैं कह रहा हूँ आप एक हफ्ता उसको लगा के जाना, आपके विजन में ना बहुत कुछ कर देगा। और एक चीज मैं बता रहा हूँ जो आप सुनोगे तो मैंने लगेगा कि सर क्या बता रहे। देखिए कोई भी डिस्टेंस नहीं दिखता है ना, बस एक मीटर के फासले से, जैसे आपको आपका मान लीजिए -1 पावर है, -1.25 है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, आप अगर एक मीटर क्लोज आ जाओगे ना तो बहुत दिखने लगता है। अब आपको एक मीटर क्लोज एग्जाम वहाँ पे कैसे आना है उसका हैक मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी तो चेयर है नहीं यहाँ, अगर चेयर रहता तो मैं एक मस्त चीज बताता आपको। देखिए जब भी आपको बैठने के लिए बोले ना डॉक्टर चलो बैठो, तो चेयर इतना बड़ा होता है, ठीक है, एक हम लोग और उसके पीछे वाला जिस पे पीठ हम लोग सटाते हैं रखते हैं वो इधर रहता है, ठीक है। अभी आप जब बैठते हो ना तो पूरा फुल चेयर कवर करके बैठते हो, ठीक है, पीछे, ताकि आप देखो एक चेयर का एंड फर्स्ट पोर्शन यहाँ है, एंड पोर्शन यहाँ है जिसके साथ ये पीठ लगा हुआ है। आपको जब भी बैठने बोले तो आप ना इंड पोर्शन पे बैठना इस तरह आगे की ओर, ठीक है, बिल्कुल सही, पीछे मत बैठना, उससे आपका इतना डिस्टेंस कम हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब सुनिए अब जब दो आप दो पोर्शन में बैठते हो, एक सीधा और एक सामने झुक के, तो जब आप इंड पोर्शन पे बैठो ना तो थोड़ा सामने की ओर ऐसे टिल्ट हो जाओ जी। तो उससे थोड़ा आपका डिस्टेंस और इतना कम हो जाएगा, तो लगभग एक मीटर के अराउंड आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा। और ये चीज किसी को नहीं पता, बिल्कुल ये ना वो हैक है वो चीज का। एक तो चेयर के आप टो पॉइंट पे बैठो और आगे झुक के देखो, तो आपको अगर नहीं भी दिख रहा है ना तो वो चीज जो ब्लर दिख रहा है ना वो क्लियर हो जाएगा आपका, कि वो दिखने लग जाएगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका 100% जिनका भी माइनस में पावर है -0.5 -2.5 बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, आपका होगा। और मैं जैसे बता रहा हूँ, गाजर वाजर खाना तो शुरू कर ही दो सभी के सभी, इससे ये होगा कि आंख उससे बहुत इंप्रूव होता है, बिल्कुल ये लो। और साथ में ये काम तो बिल्कुल करना, ये है क्या, और एग्जाम के पहले आप ना रामदेव जी का जो ड्रॉप है वो सच में भाई काम करता है, वो आयुर्वेदिक चीज है। मैंने खुद पे भी ट्राई किया, मैंने दोस्तों को भी बताया, वो लोग भी ट्राई किए हैं। वो आई ड्रॉप 20 रुपए की मात्रा आती है। अच्छा। आप महीना भर 2 महीना 3 महीना सही लगाना शुरू कर दो, एग्जाम में तो बहुत समय है, थोड़ा जलता है लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा। अब मैं डालता हूँ ना, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता है उसमें। अच्छा, अच्छा। लेकिन आपका वो आई इम्प्रूव बहुत करेगा, डॉक्टर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं तो अभी लगभग 2 साल से उस आई ड्रॉप को यूज करता हूँ, मेरा तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है उसमें। तो काफ़ी अच्छा चर्चा किए हैं सर ने, काफ़ी चीज़ें सीक्रेट चीज़ें आप लोगों को टिप्स में बताए हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। अभी तक मेरे को 2-4 दिन पहले भी कमेंट आ रहा था, सर 0.25 में 0.5 में ALP में सिलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं, मेरा माइनस में पावर है। दोस्तों मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज के वीडियो से आप लोग को एक चीज़ नया चीज़ मिला होगा, जो सर ने ट्रिक चीज़ बताए हैं वैसा आप लोग उपयोग कीजिएगा, है ना। जैसे रामदेव मैंने बोला आपको, पहले ड्रॉप यूज़ करो, दूसरा वो चेयर वाला जो हैक है वो यूज़ करो, बिल्कुल, और तीसरा चीज़ मैंने वही बोला क्या कि आप अंधेरे वाले कमरे में जब जाओ तो पहले तो चश्मा ब्लैक वाला रखना, सनग्लास, बिल्कुल, जाने से एग्जाम से जिस दिन मेडिकल हो उसी दिन का मैं बता रहा हूँ, उसके पहले रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल वाले दिन ही पूरा थ्रू आउट आप ब्लैक चश्मा सनग्लास रखना पहन के, और जैसे जिस रूम में आपका आई टेस्ट होने वाला उसके पहले आपको बाहर बिठाया जाएगा, वहाँ आधा एक घंटा बैठता है लोग हैं, तो आप आँख बंद करके मैक्सिमम टाइम रखो ताकि आपके आंखों के अंदर अंधेरा वाला माहौल बना रहे, क्योंकि जैसे ही हॉल में जाओगे ना पूरा डार्क रहता है, एकदम अंधेरा, ठीक है, वहाँ का आपको एडजस्ट करने में ना थोड़ा वक्त लगेगा, वो वक्त आपको ना लगे और जल्दी एडजस्ट हो जाए और ताकि आपको चीज़ें जल्दी जल्दी दिखने लग जाए ऐसा। और एक चीज़ इसमें एक और है, जब आपको दूर का विजन दिखाएगा ना तो एक आँख बंद रखेगा, ठीक है, तो वो बंद ना आप ऐसे मत करना, बंद ही मत करना, वो एक पेपर शीट रखेगा जिसमें आँख आपका खुला रहना चाहिए, वो बंद करोगे तो ये वाला ब्लर हो जाएगा, इससे दिख रहा है सारी चीजें लेकिन इससे ब्लर हो जाएगा, फिर आप इसको बंद करके जब इसको खोल के देखोगे तो चीजें धुंधली दिखने लग जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल वो मत करना, इसको बंद मत करना, इस कवर के नीचे आँख खुला रखना और इससे देखना, इससे तो दिख रहा है आँख खुला हुआ है, तो इसको ना इस पर प्रेशर नहीं डालना है उस दिन, तो आपको आप प्रॉपर, फिर दूसरा आँख भी जब करेगा तो इसको अपना खोल के रखो ना, क्योंकि इससे तो हो गया काम, आप फिर भी खोल के ही रखो और दूसरे आँख से फिर देखो ताकि ब्लर ना हो, वो चीज़ें क्लियर रहे। सर के इस चीज़ों से आप ये सीखिएगा, क्योंकि पोस्ट बहुत सारा आ रहा है, ALP का आ रहा है, NTPC आ रहा है, JEE ग्रुप डी,
रेलवे में कोई सभी पोस्ट में अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड एएलपी के हिसाब से सुधर गया, मतलब आप सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि सबसे खतरनाक जो है अगर आई साइट मांगता है वो एएलपी का ही सबसे 6x6 रहता है। इसके बाद आपका जो भी पोस्ट है, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दो उसमें उसके बाद का ही मांगता है, 6x9 6x18 A2 A3 A4 ऐसे रहता है। जो सबसे हाई मेडिकल स्टैंडर्ड है A1 है, जो एएलपी लोको पायलट के लिए ही है। आप एकदम से घबराना नहीं, वहाँ वो चीज आप जितना घबराओगे ना आपका दिमाग उतना आपके आंखों पे प्रेशर डालेगा। बड़ी बात एक चीज और, जब आप मेडिकल एग्जाम देने जाओगे उस मान लो फेल करके फेल कर गए, आपको फिर दोबारा मौका देता है वो, री मेडिकल होता है। चलो उसमें भी फेल कर गए, आपको थर्ड टाइम भी मौका देता है वो। अच्छा, इवन उसमें भी फेल कर गए तब वो एक चौथा बार क्या करता है, एक पैनल बनाता है। अच्छा, जो तीन बार फेल कर गए हैं इनको क्या करना है। अच्छा, तो उसमें वो कंसीडरेशन भी कर लेते हैं कभी कभी, क्योंकि मेरा एक दोस्त ना तीनों मेडिकल फेल कर चुका था। अच्छा, ठीक है, वो अभी रायपुर डिवीजन में काम कर रहा है। अच्छा, तीनों मेडिकल फेल कर चुका था। अच्छा, चौथा टर्म जब वो पैनल बना उसको एक सेपरेट दिन बुलाया गया, उसको रखा गया मेडिकल ऑब्जर्वेशन में। रेलवे आपको इतना फैसिलिटी दे रही है, उसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया। हाँ, फिर क्योंकि हो सकता है कुछ आँख में कीड़ा उड़ा या डिफरेंट चीजें हो सकती है ड्यूरिंग जर्नी, तो उसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन रखा गया, फिर उसका टेस्ट लिया गया, उसमें वो पास कर गया। तो ये चीजें भी होती हैं, इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल पास करोगे। अपने पे रखो, जो चार हैक मैंने बताया उस चार हैक को करो और रेस्ट आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, एग्जाम पास करो। मेडिकल की बात, मेडिकल से रिलेटेड दोस्तों बहुत लोगों को डाउट रहता है, कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सर ने काफी कुछ भी होगा सर से आप पूछिएगा मेडिकल से रिलेटेड चीजें, सर भी बोलेंगे, मैं भी सर को बता दूंगा और चीजें कई चीज में डिस्क्लोज करूंगा मेडिकल से रिलेटेड चीजें, मैंने जो हैक है जो जेन्युइन है और कर सकते हैं आप वो चीजें सर से। तो ऐसा चीजें दोस्तों मेडिकल के बारे में बहुत कम जानकारी मिलता है, है ना, तो कृपया शेयर कीजिएगा। अब हम टॉपिक करते हैं कि एएलपी के जॉब प्रोफाइल के, एएलपी की जॉब प्रोफाइल में प्रमोशन कैसे रहता है, फैसिलिटीज़ क्या होता है, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं और इसमें कितना चांस है अगर आप रेलवे में घुस जाते हैं, तो सर आप बताना चाहेंगे ये सारी चीज़ें। एएलपी का जॉब प्रोफाइल देखिए, सबसे जब मेरी नौकरी नहीं हो रही थी तो मैं सोचता था सबसे पहले नौकरी ले लूँ। बिल्कुल, सबके लिए यही है लाइफ में, पहले एक नौकरी लेते हैं। बिल्कुल, फिर वो सही है गलत है वो हम लोग बाद में देखेंगे, वो जो क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है। हाँ जी, कोई हर टाइप का काम कर लेता है, कोई हार्ड वर्क नहीं कर पाता, किसी को ऑफिस की चीजें अच्छी लगती हैं, तो वो सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। हाँ, पहले आप रेलवे में आ जाओ। हाँ, अच्छे से तैयारी करो, सब चीज क्लियर करो। यहाँ पे जैसे ही आप आओगे आपको पहला 2 साल या 3 साल आप एएलपी के पोस्ट में रहोगे, उसके बाद आपको 2 से 3 साल बाद आपको सीनियर एएलपी बना दिया जाएगा। आपका 1900 ग्रेड पे रहेगा, 19900 बेसिक रहता है। हाँ, और उसके बाद आपको फिर सीनियर असिस्टेंट बना दिया जाता है 3 साल के बाद, तो आपका बेसिक बढ़ जाता है 25500 के आसपास हो जाता। हाँ, है आपका बेसिक। हाँ, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट में तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से बाद फिर आपको कई अलग अलग डिवीजन में अलग अलग जब लोको पायलट बनाते हैं। हाँ, कभी 4 साल में बन जाते हैं, कहीं पे 10 साल भी लग जाता है बनने में। हाँ, तो सब डिवीजन का अलग अलग अपना अपना, जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार लोको पायलट बनाते हैं। बिल्कुल, तो वो उसके लिए फिर जो क्राइटेरिया है मिनिमम वो सब कम्प्लीट हो जाता है। हाँ, तो एएलपी का थ्रू आउट जॉब 10 घंटे का रहता है सेक्शन, शुरू में तो मालगाड़ी रहेगा, जब आप सीनियर असिस्टेंट बन जाओगे तो आपको कोचिंग गाड़ी भी में ड्यूटी दिया जाता है। तो आप फिर जैसे यहाँ ट्रेनिंग पे आओगे तो उसके अनुसार आपका सीनियरिटी बनता है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में जो मार्क्स आएगा वही आपका थ्रू आउट सीनियरिटी रहेगा। अच्छा, तो आप ट्रेनिंग में जब खैर पास तो करो, उसके बाद ट्रेनिंग में आओ तो वहाँ भी पढ़ना, ऐसा नहीं वहाँ भी नहीं पढ़ना। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है अगर ट्रेनिंग? देखिए हमारे समय में 5 महीने की ट्रेनिंग देते थे। अच्छा, अभी मैंने सुना है कि थोड़ा ट्रेनिंग का शेड्यूल कम कर दिया गया है, तो अभी कितना है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उसी के आसपास ही है। सैलरी इन हैंड सर, स्टार्टिंग में अगर बात किया जाए सैलरी इन हैंड कितना हो जाता है? देखिए अभी ना ये सबसे अच्छी चीज है कि आपको ना काम पे डिपेंड करता है, किसी किसी डिवीजन में बिल्कुल काम नहीं है। अच्छा, किसी किसी डिवीजन में बहुत काम है। अच्छा, तो ये लोको पायलट गार्ड की नौकरी ऐसी है ना कि आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा सैलरी आएगी। अच्छा, आपको शुरू में अगर जिस डिवीजन में ज्यादा काम है तो आपको 60,000-65,000 सैलरी आ जाएगी शुरू में। अच्छा अच्छा, अगर किसी डिवीजन में कम काम है तो आपको मिनिमम 55,000-50,000 की सैलरी आएगी, मिनिमम आएगी आएगी आपके इन हैंड। सबसे बड़ा मोटिवेशन सर सैलरी ही रहता है, काम कैसा भी रहे, काम तो एक मजदूर भी कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, अपना शरीर पूरा वो कर रहा है। सैलरी अगर लास्ट में जब आता है
20 तारीख को है ना, रेलवे एम्प्लॉयज का मैं यही देखिए हम लोग सब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ही आते हैं, तो 50,000 भी ना हमारे लिए बहुत बड़ा चीज होता है। हम लोग तो आप लोग तो एक ऐसे समय में भी पड़े हैं कि 5,000 रुपया घर वाले भेजे हैं और उसको पूरा महीना चलाना पड़ता था। सही बात है। तो उस फेज से हम लोग यहाँ आए हैं, तो 50,000 सैलरी सही में बहुत बड़ा सैलरी। सर इसमें आप प्रमोशन का बताना चाहेंगे कि आप लोग के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहता है LDC JDC के बारे में और एलिजिबिलिटी उसका? देखिये जो RRB के थ्रू आते हैं लोको पायलट में वो GDC के लिए एलिजिबल रहते हैं, वो LDC के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। LDC के लिए पॉइंट्समैन गैंग ये सब एलिजिबल रहते हैं, SM वगैरह। तो अभी आप इसके थ्रू, पहले तो इसमें प्रमोशन ऐसा है ना कि अगर आप लोको पायलट वाले रनिंग कैडर में ही रहना चाहते हैं तो आप पहले सीनियर असिस्टेंट बनेंगे फिर लोको पायलट बनेंगे। आप लोको पायलट से ना दो तीन चीजें बन सकते हैं। एक लोको इंस्पेक्टर होता है, LI बोलते हैं, उनका काम होता है कि लोको में जाकर इंस्पेक्शन करना और अपने उनके अंडर 150 लोको पायलट रहते हैं जिनको वो चीजें सिखाते हैं, नई नई सर्कुलर्स वगैरह आती है तो उसको आप वो बन सकते हैं। फिर एक TFR का जॉब होता है जिसमें आप मैनेज करते हैं पूरे लॉबी को। अच्छा। कि आप आपके अंडर में लॉबी रहता है, उसमें सारे क्रू को कंट्रोल करना रहता है, तो वो बन सकते हैं। आप एक ट्रिपल क्रू कंट्रोलर लॉबी बन सकते हैं, CCC का जॉब है वो, तो वो भी एक माने आप उसमें ये प्रमोशन है रनिंग कैडर में। इसमें जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपका सैलरी बढ़ते रहेगा, आपका बेसिक बढ़ता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिक DA HRA सब बढ़ेगा ही। ठीक है। अब इसमें आप है कि आप एग्ज़ाम देकर अगर दूसरे डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं तो इसके लिए GDC एक एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं GDC, आप वो भर सकते हैं। उसमें आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं, ये सारे जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। तो मेरा कई दोस्त JEE बन गया, कुछ दोस्त मैं खुद गार्ड बन गया, मेरे कुछ दोस्त स्टेशन मास्टर बन गए हैं। तो ऐसे आप ये आपका लगभग उसी साल आएगा। तो इसमें क्राइटेरिया नहीं, अभी क्राइटेरिया आया था अभी अभी का जो GDC एग्जाम आया था इसमें था मिनिमम 2 साल का सर्विस होना चाहिए था, लेकिन उसको फिर कैंसिल कर दिया गया कि अब आते के साथ अगर GDC आ जाती है तो आप भर दो, भर के आप दूसरे डिपार्टमेंट हो लो, ये आराम से मतलब है ऑप्शन। यहाँ आप यहाँ से आगे बढ़ने का बहुत ऑप्शन है। फिर आप यहाँ अभी जैसे गार्ड में आ जाने के बाद फिर आपका ये कई चीज़ें हैं उसमें बन सकते हैं, आप कंट्रोलर बन सकते हैं, AOM बन सकते हैं, और इसमें रनिंग कैडर में आप AEE बन सकते हैं, DEE बन सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी बाद की चीज़ें हैं। पहले आप CLI बनेंगे, LI बनेंगे, CLI बनेंगे, फिर आप एग्ज़ाम देके फिर आप AEE बन सकते हैं। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे, महिला लोगों के लिए लोको पायलट की जॉब डुएबल है और उनके लिए क्या अवसर मिलते हैं? देखिए ये तो थोड़ा सा टफ काम है। बिल्कुल। क्योंकि चीज़ें हैं कि अगर वुमेन सक्षम, आज के ज़माने में तो सारी लड़कियां सक्षम हैं ही करने के लिए, तो उनको कोई दिक्कत होगा नहीं, एडजस्ट कर जाएंगी चीज़ें। बस थोड़ा टाइमिंग का रहता है इशू कि आपको अगर रात में ड्यूटी मिल गया तो आपको थ्रू आउट नाइट आपको रहना पड़ेगा ट्रेन पे। अच्छा। फिर वहाँ पे स्टे करके फिर दूसरी ट्रेन लेके आनी पड़ेगी आपको। ये ही एक थोड़ा सा इशू है टाइमिंग का, अगर आप ये एडजस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये जॉब है, आप आराम से आ सकते हैं, फिर इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा। बस ये है कि आपको थोड़ा यहाँ आने के बाद फिर आपको शिकायत नहीं करना पड़ेगा मेरा सेफ्टी इशू है, मेरा ये इशू है, क्योंकि आपको पता है कि आप सेक्शन में रहेंगे, आपके साथ एक लोको पायलट रहेगा और पीछे गार्ड रहेगा, तीन ही लोग हैं शुरू के मालगाड़ी में। अब उसमें अगर आप सवाल खड़ा करेंगे मेरा सेफ्टी इशू है, तब तो फिर आप मत आइए जॉब में। सेफ्टी अगर आपके साथ सेफ्टी हो सकता है तो क्या लोको पायलट के मर्द के साथ नहीं हो सकता है? तो सेफ्टी इशू सबके साथ है भाई। तो यहाँ तो लेकिन चीज़ें हो जाती है, आज तक किसी के साथ कोई घटना घटी नहीं है कि कोई महिला लोगों को पायलट को कोई छेड़ा है या फिर पुरुष को कोई कुछ किया है, तो किसी के साथ कुछ घटना घटी नहीं है, आराम से सब किया जा सकता है। आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ही जाइए, मेरा तो कहना यही, आप आ जाओ डिपार्टमेंटल एग्जाम देखिए, आप दूसरे डिपार्टमेंट चले जाना अगर आपको पसंद ना आए तो। कई लोगों को तो पसंद इतना आ रहा है कि वो छोड़ नहीं रही है, काम कर रही है बहुत अच्छे से, तो बिल्कुल काम कीजिए, कोई इशू नहीं है, सबके लिए है ये। एक लास्ट टिप्स देना चाहेंगे सर कि कैसे कैंडिडेट लोग तैयारी करें, हालांकि पूरे वीडियो में तो आपने बताया ही है, लास्ट टिप्स दे दीजिए सक्सेस होने के लिए, रेलवे में आने के लिए। देखिए सक्सेस का एक मंत्र है प्रैक्टिस, आप क्या करो ना, मैं भी करता था, मेरे फ्रेंड साथी भी करते थे। बिल्कुल। हर रोज आप चैप्टर मान लो मैथ आपने पूरा नहीं पढ़ा है, आधा ही मैथ पढ़ा है, या GK GS आपका पूरा नहीं हुआ, आधा ही हुआ है, तो आप हम लोग क्या सोचते थे ना, पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर जाके टेस्ट सीरीज मारेंगे। अच्छा। सबसे बड़ा बेवकूफ़ी हम लोग यही करते थे। आप टेस्ट सीरीज
फर्स्ट डे से लगाओ, ये पहले दिन से टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको आपके टाइमिंग का रहेगा कि मेरे इसने टाइमिंग में इतना क्वेश्चन बन जा रहा है। अच्छा। भले आपका मैथ का आधा ही चैप्टर हुआ है, पूरा ना हुआ हो, और टेस्ट सीरीज बनाना ही सिर्फ नहीं है, उसको रिवीजन करना है कि उसको पूरा रिवाइज करना है। मैं अगर एक घंटे में एक टेस्ट सीरीज बनाता था तो 2 घंटे लेता था उसको रिवाइज करने में, भले मेरा 70 क्वेश्चन सही हो गया, 30 क्वेश्चन गलत हुआ है, तो उस 30ों को मैं ज़्यादा 10-10 मिनट 5-5 मिनट देखता था कि ये क्वेश्चन कैसे बना, जो क्वेश्चन गलत हुआ ये कैसे बना, ताकि मैं इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो फिर दोबारा गलती ना हो। हर रोज एक टेस्ट सीरीज मारो, आपका एग्जाम ना निकले तो बताना मेरे को। सर ने काफ़ी अच्छा चीज़ बताया कि आपने टेस्ट दिलाओ उसी समय से दिलाना शुरू कर दीजिए, ये नहीं कि मेरा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लस इसमें एक और चीज़ बताया कि एनालिसिस हर एक टेस्ट का, जितना अगर 1 घंटे का टेस्ट है, 1.5 घंटे का टेस्ट है, उसका एनालिसिस पूरा कीजिए, पूरा 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पूरा का एक एक का आप लोग, जो भी नेगेटिव्स हुए हैं पॉजिटिव हुए हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हर चीज़ पे आ जाता है टेस्ट सीरीज में। सर आप भी इसमें एक चीज़ है, एनालिसिस आप जब देखोगे ना तो उसमें एक क्वेश्चन कवर नहीं होता है, एनालिसिस में 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, उसमें बहुत कुछ दिया रहता है, आपका वही दिमाग क्लिक करेगा। आप जो भी आदमी टेस्ट नहीं बना रहा या प्रीवियस ईयर पेपर का टेस्ट लो, पूरा बनाओ, आप हर रोज एक कम से कम बनाने का आदत डाल लो, भले आपका कवर हुआ नहीं है सिलेबस, रहने दो, आप बनाओ, उससे आपका ना जो नहीं कवर हुआ ना वो भी कवर उसी के साथ हो जाएगा, आप निकल जाओगे यहाँ से। आप सर बताना, बहुत बढ़िया सर, आप भी बताना चाहिए। इसमें इस विषय में मेरा ये मानना है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब लेने के लिए, ठीक है, जॉब लेंगे कैसे, उसके लिए कुछ उसका प्रावधान किया गया है। बिल्कुल। जो मानक है कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये पूछा जाएगा आपसे, वो आपको प्रिपेयर करके हमें देना है। बिल्कुल। अब ये हम कैसे जाने कि कितना प्रिपेयर करें, क्या करें, तो इसके लिए बेसिक्स ये है, रूल है, जो सब पे अप्लाई होता है, चाहे वो विद्यार्थी 5 स्टार्ट किया हो, 10 साल से कर रहा हो, हाँ, लेकिन उसमें वो जुनून होना चाहिए कि हमको वो करना है। पहला रूल ये है कि आप या तो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं जो अपने उम्र के अनुसार ही तैयारी करना शुरू करते हैं, जैसे 10th के बाद जो ITI करते हैं उसी समय वो तैयारी करते हैं। अच्छा। तो वो सिलेबस कंप्लीट करके करते हैं, और एक हो गए कि जो इंटर करके या 2 साल ऐसे हो, मतलब कम समय वाले, कम समय वाले के लिए ये है कि आप एक सेट बनाओ, ठीक है, जी जान लगा के उस सेट को बनाइए। आपको ये नहीं देखना है कि हमारा हिस्ट्री कितना सही हो रहा है, साइंस कितना सही हो रहा है, करंट कितना सही हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें बदल जाएगी। सही बात। लेकिन मेरा जो सॉलिड मेट पार्ट है वो है मैथ और रीजनिंग, आप इसको जो बना रहे हैं तो उसमें गलत ना हो पाए, भले ही आपका नंबर 60 ही आए, अभी घर पे सेट मार रहे हैं उसमें, हाँ, लेकिन जो गलत हुआ है मैथ में भी आप इतना ब्रिलियंट नहीं हो पाइएगा कि बोर्ड को टक्कर दे के 35 में 35 के सही कर देंगे, या रीजनिंग को 35 में 35 ही सही कर देंगे, ये कोई भी टॉपर भी नहीं कर पाया है। तो इसके लिए बेस्ट यही तरीका है कि आप जो सेट बनाएं तो जो सही हो गया है उसको पीछे रख दीजिए, जो गलत हुआ है उसको हम या तो खुद से मेहनत करके बनाएं, या सर के माध्यम से पूछ के बनाएं, या हम कहीं से बुक देख के बनाएं, हाँ, वो बनाने के बाद हमारा कर्तव्य शुरू होता है कि अगला दिन जब भी वैसा सवाल देखें तो वो छूटना नहीं चाहिए, ये बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। और साइंस पोर्शन और हिस्ट्री पोर्शन को उस पर आप, मैंने जीके जीएस को, उसमें आप कवर कीजिए कि 30 ही सवाल है, हमसे सही हुआ अथवा ना हुआ, लेकिन ये 30 सवाल को अगर हम कल देखेंगे या 10 दिन बाद देखेंगे तो इसको सही ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। इससे होता है कि आप डेली 35 करके, मैंने महीने का ले के चले तो 1000 आप जीके अपने पास कवर करें, ये सही तरीका है मेरे अनुसार। और हर किसी का अलग अलग एबिलिटी होता है, विद्यार्थी पर डिपेंड करता है, तो ये सबके लिए है जो मेरा रूल है वो। आप सीखने के लिए आप कोई भी बुक सीख सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से बिल्कुल करिए, क्योंकि ELB का इतना सारा एग्जाम हो चुका है ना कि आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर में, मैंने पिछले साल ही 20-25 सेट कम से कम आपको पिछले साल जो लास्ट टाइम का ELB का था उसमें मिल जाएगा 25। एक चीज़ मेरा और कहना था कि आप सोचेंगे कि अभी तो हम तैयारी शुरू किए हैं, मैं सेट क्यों मारूं, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, हम क्यों बनाएं, इतना आता क्या बना लो, तो ठीक है, आपको नहीं आता, आपको ये नहीं चेक किया जा रहा है कि आप टॉपर हैं कि फेलुअर हैं। सही बात है। आपको ये प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि आपका माइंड रैंडमली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एक सवाल आएगा प्रॉफिट एंड लॉस से, तो अगला सवाल आ जाएगा एरिया ऑफ ये आयत के क्षेत्रफल से आ जाएगा, अब ये दोनों अलग अलग पार्ट है, तो आपका माइंड डायरेक्ट वहाँ जाना चाहिए जो सेट हमें बना के देता है। ठीक, हाँ,
और जो बुक की बात है तो जिनका कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, तो एक चीज़ ये शुरू कीजिए, 2015 या 16 में एसएससी सीजीएल का ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ था, तो 30 सेट है उसका, तो वो 30 सेट को ना हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप मैथ रीजनिंग और जीके जीएस आप वहाँ से उठा लीजिए, आप 10 से 15 दिन में अपने आप को पाएंगे कि जो 4 साल से बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके बराबर में आके खड़े हो गए। उसमें इस तरह का सवाल दिया गया है, सारा का सारा कंसेप्ट है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट वही सवाल आएंगे। वहाँ से शुरू करके रुक्मिणी प्रकाशन का एएलपी का जो प्रीवियस ईयर है, और आने वाले एग्जाम के लिए भी आप रुक्मिणी प्रकाशन को फॉलो करें, क्योंकि वो जो क्वेश्चन बनाता है वो रेलवे को देख के बनाता है और आने वाले दिन में कैसा एग्ज़ाम होगा उसके पैटर्न को वो फॉलो करता है। हाँ, एक दो क्वेश्चन आपको गलत मिल सकता है, लेकिन 99% आप अपने आप को मानिए कि उसमें सही दिया हुआ। तो सर लोगों ने काफ़ी अच्छा आप लोगों को जानकारी दिया है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी सीखने को मिले, और आप लोग के एएलपी के सफर में ये वीडियो आप लोग के कामगार रहे। सर लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद सर चैनल में आने के लिए। एक चीज़ और कहना था कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी करने के लिए मात्र 5 घंटा की आवश्यकता है, वो कैसे, 3 घंटे का सेट बनाना प्लस मिलाना और उसको अपने अंदर लाना, 3 घंटे में हो जाता है। 3 घंटा के बाद 2 घंटा आप नए चीज़ों पर ध्यान वर्क कीजिए, आपको कंफर्म रिजल्ट होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। धन्यवाद, बहुत अच्छा। कहीं सब जगह लाइब्रेरी आज अवेलेबल है, 500 रुपये में महीने भर का, आप 500 अपने पर खर्च कीजिए। घर पे पढ़ाई नहीं होता है, सही बात है। घर पे पढ़ने बैठेगा तो लगेगा कभी झाड़ू देना बाकी रह गया, खाना खाना बाकी रह गया, थोड़ा सो लेते फिर पढ़ लेंगे, कपड़ा धो लेते फिर पढ़ लेंगे, सफाई कर लेते फिर पढ़ लेंगे, सारा काम हो जाता है, पढ़ाई नहीं होता है। तो आप घर से निकलिए, भले आपका घर बहुत अच्छा है या बहुत खराब है उससे मतलब नहीं है, लाइब्रेरी हर जगह है, लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, लाइब्रेरी जाने के बाद आपका पढ़ाई होगा, खुद ब खुद होगा, लाइब्रेरी बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, 500 रुपये खर्च कीजिए अपने ऊपर, तब आप 50,000 का नौकरी ले पाएंगे। सही बात। तो पास संदर्भ में ये भी बात कहा गया है कि आप खेत में जैसा अनाज डालेंगे, बीज डालेंगे, जिस अनुसार जिस माध्यम का जिस स्टैंडर्ड का जिस क्वालिटी का उतना पैसा खर्च, उसी अनुसार आप फल प्राप्त करेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप लाख में नहीं कंपटीशन कर रहे हैं, आप करोड़ों में फेस कर रहे हैं। सही बात। और करोड़ों में फेस करके आप आ रहे हैं, तो इसके लिए आपका कर्तव्य बनता है कि अपने आप को एक तपस्वी बनाएं, उस अनुसार फोकस कीजिए जैसे एक तपस्वी ध्यान लगाते हैं, और इससे बिल्कुल नहीं भटकिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, यही मेरा कहना। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, मैं इंटरव्यू का सिलसिला अब जारी रखूंगा और बाकी स्टाफ का भी लूँगा, जैसे आज एएलपी हो गया, सर लोगों ने एएलपी से गार्ड भी बने हैं, है ना, तो ऐसा अब टॉपिक्स चलते रहेगा दोस्तों। ओके दोस्तों।